कंपनी की पॉलिसी यह है कि यहाँ मजदूरों को तरबियत देकर कारीगरों की एक जमात पैदा की जाए और एक आबादी बसाई जाए जहाँ उन्हें हर किस्म की सहूलतें मुहैया हों। नेओ का पत्थर बाबू राजेंद्र प्रसाद ने रखा। उन्होंने कहा, आज के तारीखी दिन सिंधिया कंपनी ने जो काम शुरू किया है सारे कौम उसके पीछे है। शाम देश के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए 3,000 मेहमान इस कारखाने को खोलने की रस्म के लिए इकट्ठा हुए। मिस्टर वालचंद हीरा चंद ने कांग्रेस की मदद का शुक्रिया अदा किया और कहा, सिंधिया कंपनी की ये सारी कोशिशें इसलिए हैं कि सारी दुनिया के समुद्रों में तिजारत किए हिंदुस्तानी तिजारती बेड़े को आजादी और मौका दिया जाए और इस तरह वो कौमी आजादी की इस बड़ी संस्था यानी कांग्रेस को आजादी हासिल करने में पूरी पूरी मदद दे सके। इसके बाद उन्होंने बाबू राजेंद्र प्रसाद से दरखास्त की कि कारखाने को आशीर्वाद दें। तो ये है सिंधिया कंपनी का कारनामा और ये हैं वो लोग जिनकी हिम्मत और देशभक्ति ने हिंदुस्तानी तिजारती बेड़े को नया जीवन दिया, जिनकी अकलमंदी और भरोसे के बल पर हिंदुस्तानी तिजारती बेड़ा तरक्की करता जा रहा है। मिस्टर तुलसीदास किलाचंद और मिस्टर मानिक लाल प्रेमचंद, देश के इस सिरे पर मिस्टर शांति कुमार मुरार जी और सिंधिया के आजकल के चेयरमैन और बुनियादी मेंबर मिस्टर वालचंद हीरा चंद बैठे हैं। मिस्टर दिनशा डी रोमर और मिस्टर दिनशा के दाजी कंपनी के कानूनी सलाहकार सर शांतिदास अस्कुरान और सर रहमतुल्ला चिनार, सर चुनीलाल बी मेहता और मिस्टर पिंगले वेंकट लाल रेड्डी, मिस्टर एम ए मास्टर जनरल मैनेजर, एस जे पांड्या मैनेजर और कंपनी के एग्जेक्टिव एस एन हाजी और सी एन मेहता। हिंदुस्तानी जहाजरानी का शानदार मुस्तकबिल इन्हीं लोगों के हाथ में है। हिंद सागर के साहिल पर हिंदुस्तान बड़ी अहम जगह पर वाकई है। हिंदुस्तान के समुद्री रास्ते पूरब में हांगकांग, जापान, सिडनी, वेलिंगटन, वैंकूवर, सान फ्रांसिस्को और पानामा तक जाते हैं और पश्चिम में अफ्रीका, दक्षिणी अमरीका, यूरोप, इंग्लिस्तान, मॉन्ट्रियल, न्यूयॉर्क और फिर पानामा तक जाते हैं। इस तरह हिंदुस्तान की समुद्री तिजारत की औसत जो दुनिया के तमाम मुल्कों में फैली हुई है 500 करोड़ रुपए सालाना है और इसी वजह से हिंदुस्तान के पास कुल 20 लाख टन वजन के जहाज होने चाहिए। 25 साल से सिंधिया कंपनी कौमी तिजारती बेड़े के लिए अनथक कोशिशें कर रही है। आज हिंदुस्तान बड़ी बेचैनी से उस दिन का इंतजार कर रहा है जब हमारे देश के किनारों पर हमारे कारीगरों की बनाई हुई किश्तियों पर हमारे अपने मल्ला हमारे तिजारती सामान और मुसाफिरों को समुंदर पार ले जाने के लिए मौजूद होंगे।
कारीगर जो हिंदुस्तानी जहाजरानी में एक नया दौर शुरू कर रहे हैं और पुराने जमाने की तरह बड़े मान से हिंदुस्तानी जहाजों को दूसरे देशों में भेज रहे हैं। कौमी जहाज रानी के लिए सिंधिया की कोशिशों के मुताबिक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, किसी जमाने में हमारी जहाज रानी दूर दूर तक फैली हुई थी। आज भी हमारे पास लियाकत है, कारीगर हैं और ऐसे वसीले हैं जिनसे हम एक अजीम शान जहाजी सनत कायम कर सकते हैं। सिंधिया कंपनी ने सबसे पहले इस काम का बीड़ा उठाया है और बड़ी कामयाबी से अपना काम जारी रखा है, लेकिन अभी तो काम शुरू हुआ है। मैं वो दिन देखने के लिए बेचैन हूँ जब हिंदुस्तानी जहाज हिंदुस्तान के झंडे बड़े बड़े समुद्रों के पार दूर दूर के देशों तक ले जाएंगे।